नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कई बार चर्चा में रही है। विपक्ष पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े करता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री बिना रुके अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष नीति में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ पर्सनल टच पर जोर दिया। रविवार को हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी ऐसा ही दिखा। भाषणों से इतर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री पर हर किसी की नजर रही। जी हां, ह्यूस्टन के मैदान में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और मंच से उनका परिचय करवाया। अब यूं तो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन फिर भी मोदी ने अपने अंदाज में उनका परिचय करवाया। जनता के साथ संवाद के मामले में हर कोई नरेंद्र मोदी का कायल है। यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी इसकी तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक शानदार वक्ता है। इसी का नजारा ह्यूस्टन में दिखा, जब स्टेडियम में बैठे 50,000 से अधिक लोगों से पीएम मोदी ने सीधे संवाद किया। पीएम अपनी ही शैली में लोगों से जुड़ते गए और माहौल जोशीला होता रहा। बता दें, इसके साथ ही हाउडी मोदी समारोह में कुछ और नया भी देखने को मिला। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री मोदी का एक नया अवतार देखने को मिला। दरअसल कल पीएम मोदी अमेरिका में तालियों की गूंज और शोर के बीच धन्यवाद कहते तो थक गए, लेकिन कल उन्होंने अमेरिका में सॉरी भी कहा। अब आप कहेंगे कि ऐसी प्रधानमंत्री मोदी से क्या गलती हो गई कि उन्हें सॉरी कहना पड़ा? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई गलती नहीं हुई। दरअसल अमेरिकी सीनेटर जॉन कॉर्नेन की पत्नी का कल बर्थडे था और कॉर्नेन मोदी के साथ थे। कॉर्नेन की पत्नी के साथ नहीं रहने पर मोदी ने एक वीडियो संदेश कॉर्नेन की पत्नी को दिया और उनसे सॉरी मांगा। जी हाँ, वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले अमेरिका के सांसद बताते हैं कि आज उनकी धर्मपत्नी का बर्थडे है और पीएम मोदी उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी इस तरह अपनी बात रखते हैं। Hi, I'm John Cornyn here with the Prime Minister of India, who has a message for my wife Sandy of 40 years. Sandy, first I would like to say sorry because today is your birthday and your great life partner is with me, so naturally you must be jealous today. But wish you all the best, wish you a happy life and very prosperous, peaceful future for you. Thank you. All the best. तो देखा आपने कितने प्यार से पीएम मोदी ने अमेरिकी सांसद की वाइफ को विश किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में संपन्न हाउडी मोदी समारोह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोला। उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को आड़े हत्थों लेते हुए कहा कि जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।